आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरें सोमवार 1 जुलाई 2024 की क्या रही, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंदकिशोर की रिपोर्ट। कानून में परिवर्तन और सुधार के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नए कानून। मंत्रालय में वंदे मातरम की से आज कार्य की शुरुआत हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में वंदे मातरम के साथ ही कार्य आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोरवेल के संबंध में क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए भोपाल ब्यूरो से नंदकिशोर की रिपोर्ट, आइए सुनते हैं मोहन यादव को। ट्यूबवेल में कई बार घटना घटती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बाद में तकलीफ होती है, कई बार जनहानि भी हो जाती है, बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। हम इसमें कठोर निर्णय हमने लिया कि किसी हालत में जिस ट्यूबवेल में ओपन पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंचायत बाकी लोग पहले जुर्माना लगाएंगे, अगर ऐसी घटना घटती है तो FIR तक करके हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हर हालत में हर बच्चे की जान बचाना जरूरी है और ट्यूबवेल जैसे मामले में लापरवाही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में अपील करता हूँ कि जो कोई ट्यूबवेल कराना चाहता है वो उसको ठीक से कराए, लेकिन उसका ढक्कन जरूर लगाए, किसी हालत में उसको ओपन नहीं छोड़े, खुला नहीं रखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौवंश के संबंध में क्या कहा, कानून के संबंध में उनके द्वारा क्या कहा गया, ये हम सुनाते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट, आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव को। बड़ा निर्णय हमने किया कि हमारे यहाँ गोवध खास करके गोवंश के परिवहन को लेकर के जो वाहन जाते हैं उन वाहनों के लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया, उनको जब्त कर लेंगे, किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में क्या वक्तव्य दिया गया, आइए हम सुनाते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट, आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उच्च शिक्षा के संबंध में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सरकार ने जो निर्णय लिया था, खासकर हमने सबने, कि हम अपने प्रदेश के अंदर ये ऐसे निर्णय भी लेंगे जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी संस्कृति से हमारी जड़ें जुड़े, उसका मैसेज जाए। इसी कारण से जैसे हमने पूर्व निर्णय किया था, जिसकी कैबिनेट से पुष्टि की गई, सभी कुलपतियों को अब कुलगुरु के नाते से सरकार के द्वारा संबोधन देने का कैबिनेट ने निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खास करके इसका और महत्व तब बढ़ जाता है जब जुलाई माह में, इस माह में 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी है और हम अपने कुलपतियों को मान्य कुलगुरु के नाम से संबोधित करेंगे। और इसका असर ये हुआ कि कई राज्यों ने हमसे अपने इस प्रस्ताव की प्रति मांगी है, इस कानून को बनाने के आधार मांगे हैं और उसके आधार पर वो सब अपने राज्यों में भी कुलपतियों का नाम बदलेंगे। खास करके महिला कुलपति जब बनती है, ऐसे में अगर वो विवाहित होती है तो उनकी बड़ी दुविधा हो जाती है और कई बार वो अपने पति का नाम बताती तो कुलपति के पति, ऐसे करके लोग कोई बात उठाते हैं। तो बेहतर होगा कि कुलगुरु, ये हमारी गुरु परंपरा से जुड़ती है और बहुत पवित्र भाव से हमने इसको लागू किया। मुझे इस बात का एहसास है कि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि हमारी सरकार की भावना इस संबंध में क्या होनी चाहिए। कैबिनेट में क्या हुआ इस संबंध में, कैलाश विजयवर्गीय सदा से जानकारी देते आए हैं और आज भी उनके द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये शव वाहनों को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जो बैठक ली गई, उस बैठक में उनके द्वारा अनेक दिशा निर्देश दिए गए, आइए अब हम आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना है। भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट, कैबिनेट के संबंध में सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय को। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में ही कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई,
आप सभी को विदित है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था कि वेतन भत्ता जो माननीय मंत्रीगणों को मिलता है उसमें 1972 से एक एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता, उस पर लगने वाला इनकम टैक्स वो राज्य सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जब मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा तो सभी माननीय मंत्रीगणों ने उसको सहज स्वीकार करते हुए आज उस पर कैबिनेट में प्रस्ताव आया और उस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया और जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। जो निर्णय सरकार ने लिया उसी निर्णय के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी और नेता प्रतिपक्ष उमंग शरणदास जी ने भी यह घोषणा की कि हम भी अपना वेतन भत्ते पे लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से नहीं, हम स्वयं भरेंगे। मैं अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष का इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। लघु वनोपज जो कि हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा संग्रहित की जाती है और उसका एक बहुत बड़ा अंश राज्य शासन को भी के पास भी संग्रहित होता है और आदिवासी भाइयों को भी दिया जाता है, पर जो राज्य शासन के आने वाले अंश में अब ये निर्णय लिया गया इस अंश से के माध्यम से जो भी राशि आएगी इससे हमारे आदिवासी भाइयों के क्षेत्र में ही विकास होगा, यह पैसा अन्यत्र नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट में इस विषय में भी निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक आज कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ, जिसमें कुलपति को अब कुल गुरु के नाम से संबोधित किया जाए। आज कैबिनेट में निर्णय हुआ, हम आए दिन देखते हैं कि नलकूप खनन होता है, खुले छोड़ दिए जाते हैं और उसमें बच्चे चले जाते हैं। इसके लिए अभी तक जवाबदारी फिक्स नहीं की, अभी आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ड्रिलिंग करने वाले की जो ड्रिलिंग करता है उसे ड्रिलिंग करने के बाद उसको बंद करना होगा, साथ ही जिसकी जमीन होगी जिसने बोरिंग कराया यदि उसने भी उस बोर को बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और यदि दोनों बंद नहीं करते हैं तो राज्य शासन बंद करेगी तो उसकी राशि दंड सहित उनसे वसूली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि बच्चे खेलते खेलते हमेशा नलकूप में चले जाते हैं। देश में ऐसा किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं था, डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया। अभी तक गोवंश के परिवहन के अंदर ये प्रावधान था कि गोवंश तो जब्त कर लिया जाता था किंतु गाड़ियां जिसमें गोवंश परिवहन होता वो राजसात नहीं होती थी क्योंकि नियम में कलेक्टर कोई अधिकार नहीं था। आज ये अधिकार भी कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि जब भी कोई गोवंश का परिवहन करे तो जिस प्रकार आबकारी में और माइंस के अंदर राजसात करने का अधिकार है जिलाधीश को, वैसे ही अधिकार आज गोवंश परिवहन पर भी माननीय कलेक्टर महोदय को यह अधिकार दिए हैं। पुराना वल्लभ भवन हमारा, हमने देखा है कि दो बार उसमें आग लगी है और जो अभी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है वो, इसलिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार उसमें कुछ नाम्स होते हैं सुरक्षा के, जैसे अभी सबसे बड़ा जो वहाँ पर खतरा है वो आगजनी का ही है, दो बार आग लग चुकी है हमने सबने देखा है, पर उस आग को बुझाने का प्रावधान नहीं था इसलिए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो तो नेशनल बिल्डिंग कोड के जो आधुनिक नाम से उसके अनुसार इस बिल्डिंग में सुधार किया जाएगा। इसके लिए 107 करोड़ रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं, बस यही आज महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के थे। मंत्रालय में आज 1 जुलाई को वंदे मातरम के साथ कामकाज आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा
कुलपति होंगे अब कुलगुरु, इस शब्द में सम्मान और आत्मीयता का भाव है। देश के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है 1 जुलाई का दिन, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ये बात कही गई। नए कानून लागू होते ही भोपाल के हनुमानगंज थाने में प्रदेश की पहली प्राथमिकी दर्ज हुई, FIR दर्ज हुई। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के इंजीनियरों और कार्मिकों ने फिर एक बार कमाल दिखाया। मंत्रालय में राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का समूह गान हुआ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में आज का दिन गौरवशाली है। मंत्रालय में वंदे मातरम और राष्ट्रगान का आयोजन, सामूहिक आयोजन किया गया। इस संबंध में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 जुलाई सोमवार से बहुत सारे कानूनों में तब्दीली आई है, अब उन कानूनों को आपको विस्तार से जानने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की खबरें, हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश की खबरें आपको लगातार दिखाई जाएं और आपको प्रदेश की खबरों से रूबरू कराया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए नंद किशोर की रिपोर्ट। भोपाल मंत्रालय में राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सामूहिक आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।